उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस में अतीक अहमद व अशरफ के नाम पर धमकाकर करोड़ों की जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के निदेशक व जमीन के मालिक ने मामले में एक नामजद समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। MG मार्ग सिविल लाइंस निवासी सुभाष केसरवानी कुंवर अनंत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2010 में ताशकंद मार्ग स्थित 4000 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा कराया था, जिसकी कीमत करोड़ों में है। खुद को अतीक अहमद का रिश्तेदार बताने वाला चकिया निवासी शाहिद हसन उक्त जमीन पर जबरन न सिर्फ दर्जनों वाहन खड़ा करवा रहा है, बल्कि गुमटियां लगवा कर उनसे पैसे भी वसूल रहा है। पिछले दिनों विरोध पर आरोपी ने फोन पर पूर्व विधायक अशरफ से बात करने को कहा। इसके बाद थाने जाते वक्त पत्थर गिरजाघर के पास 3 अज्ञात साथियों संग रोक कर गाली गलौज की और राइफल तानते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। भुक्तभोगी ने बताया कि अतीक गिरोह के लोग लगातार जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहे हैं और इससे पहले भी रंगदारी मांगते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। जिस संबंध में 2015 में उन्होंने सिविल लाइंस थाने में 2 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें अब तक कुछ नहीं हुआ। 2019 में भी उक्त जमीन पर अतीक गिरोह के लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया, जिसका मुकदमा सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया गया था। इस तरह लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीन ना बेचने पर रंगदारी मांगी जा रही है और ऐसा ना करने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। सिविल लाइंस पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर शाहिद हसन समेत 4 लोगों पर धमकाने समेत अन्य आरोप में FIR दर्ज की गई है और जांच पड़ताल की जा रही है।